गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वील डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉयल। अप टू नाउ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द लैंड रिसोर्स, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स। सो इन दिस टॉपिक वी हैव टू क्लासिफाई रिसोर्सेज ऑन वेरियस बेसिस। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉयल बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। द वेरी फर्स्ट सॉयल दैट वील डिस्कस इज एलुवियल सॉयल। इट इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। It is very fertile. Why it is very fertile? Because it is found mostly in flood plains and deltas, and deltas and flood plains are made by the interplay of major rivers like Brahmaputra, Ganga and Indus. Two subtypes are Bangar and Khadar. Bangar is the old one and Khadar is the new one. That's why Khadar is more fertile in comparison to Bangar. It is ideal for sugarcane, wheat, rice, etc. and common in Duars and Tarai region. फुटहिल्स ऑफ हिमालयाज में भी आपको देखने को मिल जाएगा। नाउ ब्लैक सॉयल, सेकेंड सॉयल दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज ब्लैक सॉयल। इट इज ब्लैक इन कलर, आइडियल फॉर कॉटन कल्टिवेशन। इट इज नोन एज रेगुर, फॉर्म्ड फ्रॉम डिसइंटीग्रेशन ऑफ लावा, फर्टाइल एंड मॉइस्चर होल्डिंग, क्रैक्स इन ड्राई सॉयल, स्टिकी वेन वेट। दिस सॉयल हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ एरिएशन। सेल्फ एरिएशन कहने का मतलब है कि जब डीप क्रैक्स क्रिएट होते हैं तो इसमें क्रैक्स की वजह से जो एयर है वो अंदर तक जा पाता है, जिसकी वजह से जो न्यूट्रिशनल जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपको सॉयल में ज़्यादा देखने को मिलता है। सो दिस इज़ वेरी फर्टाइल ऑल्सो। अगर लोकेशन की बात करें हम तो महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोदावरी एंड कृष्णा वैलीज। अगर हम एलुवियल सॉयल की बात करें तो आपको डेल्टा जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी में देखने को मिलेगा। आफ्टर दैट रेड एंड येलो सॉयल। दिस सॉयल इज फॉर्म ड्यू टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ मेटामॉर्फिक एंड इग्नियस रॉक। एज द नेम सजेस्ट, इग्नियस जो वर्ड है वो बना है इग्निस वर्ड से। इग्निस का मतलब ही होता है फायर। तो जो ऊजिंग आउट ऑफ लावा है उसके फॉर्मेशन की वजह से दो तरह के रॉक्स बनते हैं। एक रॉक जो बेनीथ द अर्थ के अंदर जो वॉल्केनोज है उनके अंदर बनते हैं, जिनको बोलते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, और एक रॉक्स जो बाहर की ओर सरफेस से बनता है उसको बोलते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। इन दोनों के फॉर्मेशन में काफ़ी डिफरेंस होता है क्योंकि लावा को, मैग्मा को ठंडा होने में काफ़ी समय मिलता है बाहर में, जबकि अंदर में जो टेम्परेचर वो उस समय भी काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए इनके फॉर्मेशन में काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स आर दोज रॉक्स विच हैज़ बीन चेंज्ड, देयर फिजिकल प्रॉपर्टी हैज़ बीन चेंज्ड ड्यू टू द हाई हीट एंड प्रेशर। इसके बाद देखो आप, ये लेस फर्टाइल होते हैं। प्रेजेंस ऑफ आयरन गिव्स रेड कलर, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आयरन इट्स कलर इज रेड एंड येलो कलर व्हेन इट इज़ इन हाइड्रेटेड फॉर्म। जब मॉइस्चर होता है तो इसका कलर येलो देखने को मिलता है। एरिया जहाँ पे इसको पाया जाता है, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ईस्टर्न राजस्थान एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। आफ्टर दैट वील फोकस ऑन लेटराइट सॉयल। इट इज़ हैविंग वेरी लो फर्टिलिटी, फॉर्म्ड इन द मानसून क्लाइमेटिक रीजन। जिन रीजन में मानसून का ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलता है उन एरियाज़ में आपको लेटराइट सॉयल देखने को मिलेगा। मिक्सचर ऑफ क्ले एंड रेड सॉयल, फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ लीचिंग। लीचिंग की वजह से क्या होता है, जो टॉप सॉयल है हैवी रेन की वजह से जो टॉप सॉयल है वो बह जाता है, तो इसमें आपको जो ह्यूमस कंटेंट है वो भी कम देखने को मिलेगा, जो न्यूट्रिएंट्स है वो भी बहुत कम देखने को मिलेगा। मानसून की वजह से अगर जो न्यूट्रिएंट्स है वो बह जाएंगे, ज़्यादा बारिश की वजह से बह जाएंगे, तो यहाँ पर एग्रीकल्चर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। सुटेबल फॉर कॉफ़ी, कैश्यू, etc. एरियाज विच वेयर दे आर फाउंड, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, ओडिशा एंड आसाम। आफ्टर दैट एरिड सॉयल, मॉइस्चर कंटेंट वेरी लो, मोर प्रोडक्टिव इफ इरीगेटेड। अगर इरीगेशन फैसिलिटी अवेलेबल हो तो ये काफ़ी प्रोडक्टिव हो सकते हैं। इनसॉल्युबल साल्ट्स आर सीन, कंकर इन लोअर लेवल, जब लोअर लेवल में कंकर होते हैं तो यहाँ पे एग्रीकल्चर करना काफ़ी मुश्किल है। रेड टू ब्राउन इन कलर एंड इट्स टेक्सचर इज सैंडी। राजस्थान एंड एडज्वाइनिंग एरियाज ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, द रन ऑफ कच्छ। लेकिन देखो, राजस्थान में जब से इंदिरा गांधी कैनल बना है उसके बाद से जो एरिया है वहाँ पे एग्रीकल्चर पॉसिबल हो पाया है। एंड द लास्ट वन इज़ फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉयल। दीज आर फाउंड इन माउंटेनियस एरियाज, वेरी टेक्सचर, लोमी एंड सिल्टी इन वैलीज, फर्टाइल इन वैलीज, दे आर फर्टाइल इन वैलीज,
लोमी एंड सिल्टीन वैलीज, वैलीज में चूंकि रिवर का कोर्स होता है, रिवर बहती है, तो यहाँ पे सेडिमेंट्स भी देखने को मिलते हैं। जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, नॉर्दर्न स्टेट, हिमाचल प्रदेश आर द एरियाज जहाँ पे ये आपको देखने को मिलेगा। अब इन सारे जितने पॉइंट्स हमने डिस्कस किया इनको एक मैप पे हम देखते हैं और कोशिश करते हैं आइडेंटिफाई करने की। इस मैप को अगर ध्यान से देखा जाए तो आप देखो टॉप में जो एरिया हमारा है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड ईस्टर्न पार्ट, आप देखोगे ये सब माउंटेनियस सॉइल, इसको मैंने नंबर वन दिया हुआ है। नंबर टू हम देखेंगे ये जो पूरा पैच है, ये जो पूरा पैच आपको देखने को मिल रहा है यहाँ तक आसाम तक, ये एक्चुअली आपका नॉर्दर्न प्लेन्स है जो एलिवियल सॉइल है। इट हैज़ बीन मेड ड्यू टू इंटरप्ले ऑफ थ्री मेजर रिवर्स इंडस फ्रॉम हियर, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। आफ्टर दैट इफ़ यू मूव टू नंबर थ्री, ये जो एरिया आपको दिख रहा है बिल्कुल ब्लैक इन कलर, इट इज़ आर रेगुर सॉइल, ब्लैक सॉइल का एक और नाम रेगुर सॉइल है। तो ये एरिया आप देखोगे इनके फॉर्मेशन में कहीं ना कहीं वॉल्केनिक एक्टिविटी का प्रेजेंस ज़्यादा है, तो ये ब्लैक सॉइल है। नाउ नंबर टू, अब आप देखिएगा कि ये जो कलर में, ये इस ऑलमोस्ट पिंक कलर में जो एरिया दिख रहा है ये आपको रेड सॉइल है, इट इज़ अ रेड सॉइल। आफ्टर दैट ग्रीन कलर में आप देखोगे लैटराइट सॉइल, और मैंने जैसे अभी आपको बताया था कि लैटराइट सॉइल का फॉर्मेशन उन एरियाज में ज़्यादा है जहाँ पे क्लाइमेटिक मानसून रीजन जो है, जैसे आप देखो यहाँ पे गारो, खासी, जयंतिया, यहाँ पे तीन हमारे इंपॉर्टेंट हिल्स हैं जिनकी वजह से यहाँ काफ़ी बारिश होती है, तो ये लैटराइट सॉइल है। और डेजर्ट सॉइल आपको पता ही है नंबर फिफ्थ वन जो हमने थार डेजर्ट में देखा है। तो ये था हमारा पूरा मैप जिसमें हमने सारे इम्पॉर्टेंट जो सॉइल टाइप्स हैं उनको हमने डिस्कस किया है। आपका होमवर्क ये होगा कि आप इसे सेपरेटली मैप्स में करेंगे, एक साथ सारा नहीं करेंगे बिकॉज ये कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा आपके लिए। थैंक यू।